जयपुर के सरकारी स्कूल में महिला टीचर ने बच्चों के पैर दबवाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले पर एपीयू हुई टीचर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पुरुष टीचर क्लासरूम के अंदर अश्लील वीडियो देखते हैं, साथ ही छात्राओं को भी गलत तरीके से छूते हैं, जिस पर उन्होंने सवाल खड़े किए, इसलिए अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। राजधानी जयपुर के एक सरकारी स्कूल के अंदर एक शिक्षिका के द्वारा बच्चों से मसाज करने का वीडियो है वो वायरल हो रहा है। मैं इस वक्त करतारपुरा के उसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही स्कूल है जहाँ पे जो टीचर है उसके द्वारा बच्चों से अपने जो है मसाज कराते हुए वीडियो है वो वायरल हुआ था। ये वही क्लासरूम है जहाँ पे जो टीचर हैं वो लेटी हुई थी। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी मैं जानूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये जो पूरा मामला है, इसके बाद जो शिक्षा विभाग है वो भी अलर्ट पे आया है और जो शिक्षिका है उसको भी एपीओ कर दिया गया है। क्या बोला मैडम ने आपको? मैम बोल रहे थे कि कल अपने पापा को बुला के लाना। नहीं नहीं नहीं, वो बोल रहे थे कि मेरे बुखार आ रहा है जोर से, पाँव उधर धो रहा है, खून दो। अच्छा, तो फिर आपने दबाना स्टार्ट किया था। अच्छा, वीडियो किसने बनाया था ये? ऐसा नहीं पता सर मेरे को। अच्छा, कहाँ पे मैम लेटी हुई थी? यहीं पे, इसी पे। तो उस टाइम क्लास चल रही थी क्या? नहीं सर, लंच हो गया था। लंच के टाइम की बात है। देखिए ये बच्चे हैं उसी क्लासरूम के जहाँ पे जो टीचर है वो यहाँ पे लेटी हुई थी और इन बच्चों से अपनी जो है मसाज कराते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की अगर तस्वीर सामने आती है तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेजते हैं उनके जहन में क्या ख्याल आएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, ये प्रिंसिपल रूम है, आप देख सकते हैं ये वही मिस हैं जिनसे मैं बात करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इनका वीडियो वायरल हुआ है, मैम आपका एक वीडियो वायरल हुआ है और इसके चलते आपको एपीओ भी कर दिया गया है, क्या पूरा मामला? जानकारी नहीं है कि मुझे एपीओ किया है, लेकिन जिसने भी ये किया है वो बहुत गलत किया है मेरे साथ। मैम ये वीडियो वायरल हुआ, शिक्षा विभाग ने भी इसको लेके एक्शन लिया है। थोड़ी सी हो सकता है मेरी भूल हो गई, लेकिन वो लंच टाइम था और मेरे लेफ्ट पैर में साइटी का प्रॉब्लम इतनी थी कि मैं है ना खड़ी भी नहीं हो सकती थी, है ना, तो इतना दर्द होता था कि फिर बच्चे ने खुद जाके टेबलेट लाए, उसके बाद मैंने टेबलेट ली थोड़ा सा, मैडम ने कहा था घर जाने के लिए, मैं मैडम अभी मैं चली जाऊँगी है ना, या तो फिर मैं जब टेबलेट से थोड़ा सा घंटे भर के लिए आराम मिला, मैं मेरे बाइक स्कूटी नहीं लेके आई थी, मैं ऑटो करके और अपने घर गई, उसके बाद भी 5-6 दिन तक मेडिकल पे और छुट्टियों पर रही। स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा, अंजू जी चौधरी जी हैं यहाँ के प्रिंसिपल, क्योंकि मैम ये बता रहे हैं कि पिछले 10 दिन से लगातार इसी तरीके की घटना सामने आई, आपको कब पता चला ये पूरा मामला, कैसे क्या? मुझे इस मामले के बारे में जो जानकारी है वो कल जो अजय सर थे उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था, मैं देखती उससे पहले ही उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। हमारी बात हुई थी तो वीडियो में जैसा आप मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा तो उसमें मुझे पता लगा कि इस तरीके की, फिर मैं स्कूल में आकर मैं इनसे जस्टिफाई भी दोनों ही टीचर से मैं बात करती कि किस तरीके से क्या होगा, क्या बात है, क्या क्या पूरा प्रकरण क्या था, उस समय की सिचुएशन क्या थी, उस दिन क्या हुआ था, उसके बारे में पता करके बात करके जो आगे जो भी विभागीय कार्रवाई होगी उससे हम उससे संबंधित जैसी भी कार्रवाई होगी हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैम अगर मैं यहाँ के स्टाफ की बात करूँ तो कितने लोगों के स्टाफ है यहाँ पे, कितने महिला टीचर है, कितने जेंट्स टीचर? मैडम सर यहाँ पर है ना आता हूँ सारी महिला टीचर हैं और 3 यहाँ पर मतलब 2 यहाँ पर मूल रूप से पदस्थापित टीचर हैं जेंट्स टीचर, जिनमें से एक टीचर तो जो पिछले 1 मार्च से डेपुटेशन पर चल रहे हैं और ये जो अजय सर हैं एक और मेल टीचर हैं अजय देवंदा जी। देखिए ये थी अंजू चौधरी जो कि स्कूल की प्रिंसिपल है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर स्कूल के अंदर इस तरीके की घटना होती है तो जाहिर सी बात है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं उनके जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब टीचर ही यानी गुरु ही जब इस तरीके की हरकत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो महिला टीचर है जिनका वीडियो वायरल हो रहा है उनका यही कहना है कि उनके जो सहयोगी मेल टीचर है यानी जो पुरुष टीचर है उनके द्वारा उनके साथ बदतमीजी की जा रही थी और उन्होंने द्वेषतापूर्ण उनका जो वीडियो है वो वायरल किया है। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।